सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी हिंदी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों कुछ दिन पहले Vivo ने लॉन्च किया है उसका Vivo Y70। इस फोन को लेकर YouTube में बहुत बातें हो रही है क्योंकि ये फोन बहुत ही अच्छा फोन है, इसमें ट्रिपल कैमरा है, इसका डिस्प्ले अच्छा है, इसका बैटरी बैकअप अच्छा है, इसका प्रोसेसर भी अच्छा है। तो इसका कीमत कुछ 18,000 रुपया। एक्चुअली ये फोन वैल्यू फॉर मनी होता है क्या नहीं, इसको लेकर ही आज के हमारे वीडियो है। और इस फोन के एक्चुअली स्पेसिफिकेशन क्या है, इस प्राइस में कौन सा फोन है जो आप ले सकते हो, इस बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसन्नजीत, आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी हिंदी। तो चलिए जान लेते हैं Vivo Y70 फोन को लेकर, इस फोन के स्पेसिफिकेशन क्या है और ये एक्चुअली वैल्यू फॉर मनी होता है क्या नहीं। पहले आते हैं हम इस फोन के डिस्प्ले को लेकर। इसका डिस्प्ले है कुछ 6.35 इंची HD प्लस डिस्प्ले वाटर प्रूफ नॉच के साथ। 18,000 रुपया के एक फोन में जिसका डिस्प्ले फुल HD भी नहीं हो, HD प्लस डिस्प्ले हो, तो वो कैसे होता है, कैसे अच्छा हो सकते है? क्योंकि 18,000 रुपया में हमारा कुछ सुपर एमोलेड डिस्प्ले आ जाता है, IPS फुल HD वाला डिस्प्ले भी आ जाता है जिसमें हम रियलमी में देख सकते हैं, रेडमी में देख सकते हैं, और सुपर एमोलेड डिस्प्ले हम M30 में देख सकते हैं और A50 में भी देख सकते हैं, क्योंकि ये कुछ सेम प्राइस नहीं। जैसे M30 जो है वो कुछ 17,000 रुपया में आता है, उसमें 6GB 128GB रहता है मेमोरी, और इस फोन में जो मेमोरी है 4GB 128GB है। तो देखा जाए तो वैल्यू फॉर मनी क्या होता है, सैमसंग का फ़ोन होता है क्योंकि सैमसंग M30 जो फ़ोन है उसका डिस्प्ले क्वालिटी अच्छा है, उसका सुपर एमोलेड डिस्प्ले, यानी कि डिस्प्ले में सबसे अच्छा अगर कुछ होगा तो M30 फोन होगा। उसमें रेडमी और रियलमी भी उसके पीछे रहेगा क्योंकि रेडमी और रियलमी में जो डिस्प्ले है वो IPS डिस्प्ले है, मगर M30 में जो है वो सुपर एमोलेड डिस्प्ले है और इसके लिए इसको हम अच्छा बोल सकते हैं। मगर जो Vivo Y70 में जो मिल रहा है वो HD प्लस डिस्प्ले, तो देखा जाए डिस्प्ले इस फोन के एकदम अच्छा नहीं बोल सकते क्योंकि इस प्राइस के प्राइस में अगर देखें तो ये फोन डिस्प्ले के तरफ से सही नहीं होता है। अभी आते हैं प्रोसेसर को लेकर। इस फोन में जो प्रोसेसर मिलता है वो मिलता है MediaTek Helio P35। एक 18,000 रुपया के फोन में Helio P35 प्रोसेसर मिलता है जिसमें हम देख सकते हैं इसी प्राइस वेरिएंट में अगर हम 6GB 128GB में देखें तो इसमें रेडमी का कुछ मिलता है और रियलमी का भी कुछ मिलता है। रियलमी 3 प्रो जो है उसमें 710 प्रोसेसर मिलता है और रेडमी नोट 7 प्रो में मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675। यानी कि ये तीनों प्रोसेसर ही P30 प्रोसेसर से अच्छा है। फिर भी देखा जाए तो YouTube चैनल में ज़्यादातर वीडियो जब भी मैं ही देखा हूँ तो जब भी देख रहे थे कि Y17 जो फ़ोन है वो बहुत ही अच्छा है। तो ये चीज़ को लेकर हम बोल सकते हैं प्रोसेसर भी उसके प्राइस रेंज में बहुत ही अच्छा अच्छा मिलता है, फ़ोन भी अच्छा। अभी डिज़ाइन में आ जाते हैं। डिज़ाइन में जो है डिज़ाइन में हम देख सकते हैं किलर डिज़ाइन अभी तक 18,000 रुपया में अगर कोई हो वो है रेडमी नोट 7 प्रो। उसके आगे कोई नहीं है, उसके पीछे कोई नहीं है इस रेंज के अंदर, क्योंकि उसके पीछे जो है वो बहुत पीछे है और उसके आगे जो है फिलहाल इस रेंज में कोई भी आगे नहीं है। तो इस बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि रेडमी नोट 7 प्रो डिज़ाइन में बहुत अच्छे है इस Vivo Y के कैमरा को लेकर। अगर कैमरा देखा जाए इसमें तीनों कैमरा का सेटअप मिल रहा है रियर में, एक है 13 मेगापिक्सल का, एक है 8 मेगापिक्सल का, एक है 2 मेगापिक्सल का। 13 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो है कुछ F2.2 एपर्चर में और 8 मेगापिक्सल का जो है वो मिल रहा है F2.2 के एपर्चर में, और जो 2 मेगापिक्सल का है वो मिल रहा है F2.4 एपर्चर में। 13 मेगापिक्सल हो तो प्राइमरी सेंसर हो गया, 8 मेगापिक्सल वो वाइड एंगल सेंसर हो गया, और 2 मेगापिक्सल हो गया डेप्थ सेंसर। तो ये एपर्चर में अगर आप कोई फोटो लोगे लाइट में तो अच्छा है, लाइट में अच्छा ही आएगा क्योंकि लाइट में कोई दिक्कत नहीं होता है, मगर जब आप लो लाइट में फोटो लोगे तो इसमें बहुत ही खराब, बहुत ही गंदा फोटो आएगा। मगर आप YouTube में देखो ये फोन को कैमरा को लेकर क्या बोल रहे हैं, बहुत ही अच्छा कैमरा ये है वो है। एक्चुअली इस सब सोचता है क्या, जो भी फोन के बड़े बड़े यूट्यूबर के वीडियो देखते हैं वो सोचता है हाँ चलो हम लोग जो भी पेड रिव्यू कर देंगे और चलेगा सब उसी को देख के कर देंगे। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आप जब भी फोन लो
YouTube में देखो, हर एक का वीडियो देखो, एक दो बड़े बड़े यूट्यूबर का मत देखो, जो 1 लाख में जो 50,000 का सब्सक्राइबर है इसका भी देखो, क्योंकि जो 1 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर होता है इसका कुछ ज़्यादा रिव्यू यूनिट आता नहीं है, इसलिए ये लोग जो वीडियो में ओपिनियन देता है वो सही देता है, मगर जिसका ज़्यादा सब्सक्राइबर है आप खुद भी फॉलो कर सकते हो, उसका ओपिनियन एकदम सही नहीं होता है, मतलब वो खराब चीज़ को भी अच्छा बोल देता है, जैसे इस फोन को लेकर ही मैं बोल रहा हूँ। तो अगर देखा जाए ट्रिपल कैमरा सेटअप हम देख सकते हैं सैमसंग M30 में, M30 में जो कैमरा है इससे बहुत अच्छा है, मगर वीवो के क्या है, वीवो का कैमरा है बहुत अच्छा होगा, ये होगा वो होगा, तो करके बोल दिया। अभी आता है इसके फ्रंट कैमरा को लेकर, फ्रंट कैमरा जो है वो 20 मेगापिक्सल का है, उसका एपर्चर है F2.0। तो ये 2.0 20 मेगापिक्सल का कैमरा ब्यूटी मोड में मिलेगा, जितना भी मोड होता है सबके सब मिलता है इसके कैमरा फोन में, यानी कि जो इसके कैमरा आता है इसमें सबके सब मोड मिलता है। तो इस हिसाब से देखा जाए इसका सेल्फी कैमरा, चलो वीवो ओप्पो तो सेल्फी कैमरा को दिखा के ये फोन बेचते हैं, तो इस कारण इसका सेल्फी कैमरा भी अच्छा होगा। अभी आ जाता है बैटरी को लेकर, 5000 mAh बैटरी इसमें मिलता है, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि वीवो में 5000 mAh बैटरी 4000 तक ज़्यादातर ज़्यादा नहीं मिलता था, अभी 5000 mAh बैटरी दे रहा है, ये चीज़ अच्छी है इस फोन के, ये चीज़ ठीक ठाक है। और इसके साथ आता है फास्ट चार्जर, जो 5000 mAh बैटरी बड़े बैटरी है उसको चार्जिंग करने के लिए टाइम लगता है, इसके लिए 18 वाट का एक फास्ट चार्जिंग भी दिया है, तो ये चीज़ भी अच्छा है। अगर देखा जाए जो क्या टोटल ये फ़ोन का क्या सब कुछ खराब है, नहीं सब कुछ खराब नहीं है, कुछ चीज़ अच्छा है और ज़्यादातर चीज़ खराब है। अगर देखा जाए इसका बैटरी 5000 mAh बैटरी अच्छा बैटरी है, फास्ट चार्जिंग ठीक है, सेल्फी कैमरा ठीक है, जितना भी सेंसर होता है सबके सब सेंसर नॉर्मली जो चाहिए वो सब कुछ इस फोन में मिलता है। तो इस हिसाब से देखा जाए ये फोन इस तरफ से ठीक है, मगर अगर इसके प्राइस रेंज में आए कुछ 18000 रुपया में, तो 18000 रुपया में हमको मिलता है रियलमी मिलता है, रेडमी मिलता है, सैमसंग के बहुत अच्छे अच्छे फ़ोन मिलते हैं जिसका प्रोसेसर अच्छा है, कैमरा अच्छा है, डिस्प्ले अच्छा है, तो इस फोन को क्यों। तो वीवो ने तो लॉन्च कर दिया और जो पेड रिव्यू करता है वो तो ये फ़ोन लेकर पेड रिव्यू कर दिया, हाँ बहुत ही अच्छा है बहुत ही अच्छे, पब्लिक तो मूर्ख है, पब्लिक जाके उसके बात सुन के फ़ोन ले लेगा, ऐसा होता नहीं है। हम लोग क्या करते हैं बड़े बड़े यूट्यूबर के वीडियो देखते हैं, हाँ चलो ये फ़ोन अच्छा बोला, वीवो का फ़ोन अच्छा है चलो ले लेते, लेने के बाद क्या होता है, लेने के बाद 1 महीना 2 महीना 3 महीना हो जाते हैं, उसके बाद फ़ोन लैग करते, फ़ोन सही से चलते नहीं, फ़ोन अपडेट के बाद बहुत ही हैंग हो जाता है, तब सोचते हैं हाँ यार बहुत गलत हो गया ये फ़ोन लेकर, ये दिक्कत होता है। इस फ़ोन के और एक चीज़ अच्छा है जो मैं बोलने के लिए भूल गया था, इसमें एंड्रॉयड 9 मिल रहा है और 4GB 128GB इंटरनल मेमोरी मिल रहा है, रैम जो है 4GB मिल रहा है, इंटरनल मेमोरी 128GB मिल रहा है। अगर आप मेमोरी को देख कर जाओगे तो पैनासोनिक का एक फ़ोन आया है, जोलो का एक फ़ोन आया है, वो भी 4GB 128GB में आया है, वो फ़ोन भी आप ले सकते हैं, और इस फोन में कुछ डेडिकेटेड SD कार्ड लगाने का भी ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों आप अगर सोचो अगर 18000 रुपया में ये फ़ोन लो तो और 1000 ज़्यादा देकर पोको F1 क्यों ना लो, ऐसा बहुत से फ़ोन है जो 20000 में बहुत ही अच्छा अच्छा वेरिएंट में आता है, अच्छा अच्छा प्राइस में, अच्छा अच्छा स्पेसिफिकेशन भी आता है, उसका रैम अच्छा होता है, फोन कैमरा अच्छा होता है, उसका इंटरनल मेमोरी अच्छा होता है, डिस्प्ले अच्छा होता है, तो वो फ़ोन ही लेना चाहिए। तो वीवो ने तो निकाल दिया और बाकी जो यूट्यूबर है जो जिसके पास रिव्यू यूनिट आया तो रिव्यू यूनिट आया तो खुल के उसके तारीफ कर दिया, अभी जो पब्लिक है पब्लिक तो मूर्ख होता है, उसके पास तो यही लगता है कि पब्लिक जो मैं बोलूँगा वही खरीद लेगा, तो मूर्ख बना के प्रोडक्ट बेचते ही उससे उसका ज़्यादा फायदा नहीं होता। वीडियो आप देख लो, इस वीडियो को देखने के बाद आप गूगल में जाओ, गूगल में जाके सर्च करो टोटल फ़ोन को, इस फ़ोन को लेकर रेडमी रियलमी के फ़ोन के भी कंपैरिजन करो, करके आप देख लो मेरा बात सही है या गलत है। अगर सही होता है तो इस वीडियो को एक लाइक करना और एक कमेंट भी करना, क्योंकि ऐसा ऑनेस्ट ओपिनियन कोई भी नहीं लाता है, हम लोग लाते हैं और जो जो छोटा यूट्यूबर है ज़्यादातर कोशिश करता है वो हर एक बारे में टोटली सही इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना,
पास में जो नोटिफिकेशन दे दे उसको भी प्रेस करके रखना, क्योंकि जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।